हेलो पेरेंट्स, सो वी अगेन हियर विद अनदर क्वेश्चन। मैंने अपने न्यूबॉर्न के साथ ट्रेवल करना है तो क्या क्या सामान मेरे बैकपैक में होना चाहिए। सो आज हम आंसर करेंगे इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। माई सेल्फ डॉक्टर प्रभजीत, वर्किंग एज अ पीडियाट्रिशियन एंड इंटेंसिविस्ट एट हीलिंग हॉस्पिटल सेक्टर 34 चंडीगढ़। न्यूबॉर्न के साथ ट्रेवल हेक्टिक हो सकता है, प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। सो ट्रेवल करेंगे, बट येस डिपेंडिंग अपॉन आपका एयर ट्रेवल है, कार ट्रेवल है, रोड ट्रेवल है, सो आपको कुछ एक चीज़ें हैं जो आपने बैग में स्पेशली रखनी है। तो पहले बात करेंगे सामान जो हमें साथ में बैग में रखना है, जो रूटीन में आप रख रहे हैं, जैसे कि अपने डायपर्स, वाइप्स और इन अदर सेट ऑफ क्लोथ्स। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस अगर रोड ट्रेवल कर रहे हैं तो आप एक लेयर कपड़ों की भी एक्स्ट्रा रखें, या जिसको हम कहते हैं कि उसको स्वेडल करने के लिए एक रैप एक्स्ट्रा रख लें। बिकॉज इफ़ यू आर ट्रेवलिंग बाय रोड, आप अगर कार में हैं तो आपका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन किया जा सकता है, बट देन बीइंग अ स्मॉल एरिया कई बार वो टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक रैप अराउंड ज़रूर रखें बच्चे के लिए। अगर यहीं पर आप एयर ट्रेवल कर रहे हैं तो ये चीज़ वहाँ भी सेम अप्लाई होती है कि आप वहाँ भी टेम्परेचर मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है न्यूबॉर्न के लिए। सो आप एक जोड़ी कपड़ा एक्स्ट्रा तो रखे ही हैं, वो आप पहना सकते हैं वहाँ पर, बिकॉज टेम्परेचर टू मेंटेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो रैप अराउंड भी साथ में रखें। दवाइयाँ, कोई दवाई आपको एडिशनल में उठा के लेके जानी है व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। रोड ट्रैवल कैन बी पेनफुल फॉर द बेबी। अगर हम ट्रैवल करते हैं तो हम यूजुअली कहते हैं कि बच्चा तो गोद में ही था, उसने तो कोई ट्रैवल नहीं किया, उसको क्या परेशानी हुई। बट बिलीव मी, बच्चा भी परेशान करता है। सो सिंपल मेडिकेशन जिसका डोज आपके पीडियाट्रिशियन आपको बता सकते हैं, पैरासिटामॉल और क्रोसिन जिसके नाम से है। पैरासिटामॉल एक सिंपल सी मेडिसिन जो हम ट्रैवल के टाइम साथ रखेंगे, विच विल बी अ पेन रिलीवर, विच विल बी अ इन केस ऑफ कोई भी प्रॉब्लम भी आती है, तो दिस इज़ द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेडिसिन जो आप साथ कैरी कर सकते हैं। तीसरी चीज़, एक और मेडिसिन है जो हम यूजुअली पीडियाट्रिशियंस प्रिस्क्राइब करते हैं व्हेन स्पेशली व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग द फूड पैटर्न और द फीडिंग पैटर्न चेंजेस, सो न्यूबॉर्न के साथ इट कुड बी रियली प्रॉब्लमैटिक। इवनिंग कॉलिक, यूजुअली इवनिंग कॉलिक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो शाम को ज़्यादा होता है, बट येस ऐसा नहीं है कि कॉलिक में बच्चे दिन में नहीं रो सकते। सो वेन यू आर ट्रैवलिंग इट कुल बी बॉदरसम टू कैरी योर कॉलिक सप्रेसेंस और वॉट एवर द मेडिकेशन विच हैव बीन प्रिस्क्राइब बाई यू बाई द पीडियाट्रिशियन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, जब आप एयर ट्रेवल कर रहे हैं, सो वेन एवर द प्लेन इज एक्चुअली लैंडिंग ऑफ और जब वो फ्लाई कर रहा है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उस टाइम पे बच्चे का ईयर प्रेशर का आप ध्यान रखें। वो कैसे करेंगे? द बेस्ट एंड द ईजिएस्ट वे ही इज उस टाइम पे बच्चे को आप सकल करा लीजिए, मतलब अटैच योर बेबी टू द ब्रेस्ट। सो दैट विल बी द सिंपलेस्ट एंड द ईजिएस्ट वे टू टेक केयर ऑफ द एयर प्रेशर, स्पेशली टेक ऑफ के टाइम और लैंडिंग के टाइम एयर ट्रेवल में। बाकी अगर आप कहें बाकी ट्रेवल्स, जैसे सी ट्रेवल है, उसमें भी सेम चीज़ है कि बिकॉज आपको एयर ट्रैवल में और सी ट्रैवल में ही सिकनेस की ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं। सो हमने जैसे कि पहले भी कहा, पैरासिटामॉल और कोई भी एंटीकॉलिक एजेंट अपने साथ एज अ मेडिसिन ज़रूर लेके जाएं। बट बिलीव मी, बच्चे भी थकते हैं, बच्चे भी हमारे साथ ट्रैवल करते हैं, सो उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी ट्रैवलिंग को या ट्रैवलिंग मेडिसिन को लेके है तो नीचे लिखे हुए फ़ोन नंबर पर आप हमसे बात कर सकते हैं। अदरवाइज़ वी आर सिटिंग हियर एंड वेलकम यू फॉर एनी अदर क्वेरीज़।